नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मिस्टर काशिफ अली और स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। गुजरात और हिमाचल चुनाव आजकल छाए हुए हैं। जैसे जैसे इन चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। पूरे देश की जनता की निगाहें इन दो राज्यों के चुनाव पर टिकी हुई है, तो वहीं दोनों पार्टियों में हमले का दौर जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज हिमाचल में रैलियां थी, जहां पर यह खबर हमने आपको सुबह भी पहुंचाई थी कि इन दोनों नेताओं की आज वहां बड़ी बड़ी रैलियां हैं, जहां पर इन दोनों का आज महामुकाबला है हिमाचल में। तो वहीं खबर आ रही है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक के बाद एक जमकर हमले साधे हैं। हम बात करने से पहले जानेंगे अपने सहयोगी काशिफ अली से कि काशिफ अली, पहले तो हमें ये बताएं कि किस मद्देनजर, मतलब किस चुनाव की कितनी राजनीति गर्माती जा रही है हिमाचल और गुजरात में। चुनाव में बात करते हैं पहले हिमाचल चुनाव की, जहां आज दोनों ही दिग्गज नेताओं की हिमाचल में रैली है। बिल्कुल आपने सही कहा राशिद अली जी, के आज अमित शाह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वहाँ रैली करी है, जहाँ वहाँ जमकर, जैसा आपने कहा बताया कि उन्होंने वहाँ पर जो है वो निशाना साधा है उस पर। तो देखिए, वहाँ की राजनीति, अगर हिमाचल की अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, हिमाचल की राजनीति थोड़ी अलग है। अच्छा, वहाँ की राजनीति असल में अलग इसलिए है क्योंकि वो एक पर्यटक राज्य है। वहाँ पर्यटन वहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी और मोदी और जिस तरीके के रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके का, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का, वहां पर रिपोर्टर्स जो हमारे पहुंचे हैं, जिन लोगों ने कवर कराया, तो बताया कि वहां पर काम तो लोगों का साथ हुआ है, वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के अभी समस्याएं हैं, अभी कुछ ऐसी समस्याएं, अभी स्कूलों में समस्याएं हैं वहां पर। तो रैली, इन रैली जो वहां पर कर रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी और अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी अभी आज रैली करी है वहां, तो वहां के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, शायद वहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में इस तरीके का काम हुआ है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि देश में काम नहीं हुआ है, वो बता रहे हैं कि काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग वहाँ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हिमाचल का वोटर काफ़ी समझदार हो चुका है, वो वोट उनको करेगा जो जनता उसको चुनेगी, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, जो उनके वादों को पूरा करेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है, जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि GST को लेकर काफ़ी घिरी हुई है, महंगाई को कुछ अभी यहाँ पर कुछ दिनों से, 2-3 दिन से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दामों में बढ़ रही है और गैस सिलेंडर पे दाम बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है महंगाई को लेकर, इसी वजह से राहुल गांधी तीखे हमले कर रहे हैं। अच्छा काशिफ, ये बताइए, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हर राज्य में कमी तो थोड़ी बहुत रही जाती है, लेकिन हिमाचल में किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, कि कांग्रेस का या बीजेपी का? देखिए, अगर हम दो इसमें देखने पहलू देखने पड़ेंगे हमें, कि देखिए, एक तो आप देखें सिर्फ परिपेक्ष में देखें, कि हिमाचल के परिपेक्ष में आप देखें, सिर्फ आप हिमाचल की बात करें, अगर आप पूरे हिंदुस्तान के परिपेक्ष में हिमाचल को देखेंगे तो बीजेपी कमजोर नजर आएगी, और अगर हिमाचल के परिपेक्ष में आप देखेंगे तो कांग्रेस कमजोर नजर आएगी। अच्छा, इसमें क्योंकि पूरे भारत के अगर परिपेक्ष में मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है, महंगाई को लेकर, GST को लेकर, और कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी अपनी आलोचनाओं में घिर रही है, तो उसको लेकर हो सकता है कि हिमाचल का वोटर का माइंड डाइवर्ट हो कि वो चाहते हो कि एक स्थिर सरकार चाहते हो, वो चाहते हो कि सरकार एक ऐसी सरकार ना हो जिसपे आम आदमी। तो मैंने जो बात कही है कि अगर भारत के परिपेक्ष से देखेंगे तो बीजेपी कमजोर है, और अगर वहां के परिपेक्ष से देखेंगे आप तो राहुल गांधी कमजोर है। तो सुना आपने हमारे सहयोगी काशिफ अली ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई आपको। अब आपको बताते हैं कि आज कांग्रेस की हिमाचल में रैली थी, जहां पर राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमले किए हैं। उन्होंने आज, हम बता दें आपको, कि सिरमौर में राहुल गांधी की पहली रैली थी, जहां पर उन्होंने सबसे पहला हमला पीएम मोदी को लेकर करा है, जहां उन्होंने कहा कि गीता में लिखा है काम करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन मोदी कहते हैं कि फल सब खाओ और काम की चिंता मत करो। ये राहुल गांधी ने पीएम को लेकर निशाना साधा है। और वहीं उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बयान दिया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम ने किसानों और टूरिज्म इंडस्ट्री को वहां पर खत्म कर दिया है।
तो काशिफ अली क्या कहेंगे, मतलब इन दोनों हम लोग को एक बहुत ही बड़े तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी ने जो तंज किया है, राहुल गांधी के खैर आजकल मैं हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव हो गए, वो ट्विटर पे काफी तेज तर्रार तंज कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर। और जैसे अगर आप इस पे इसके तंज को अगर आप एनालाइज करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो उन्होंने बहुत सही बात कही है कि वहाँ के टूरिज्म को नुकसान हुआ है। पहले से अगर देखा जाए तो वहाँ का कहीं ना कहीं टूरिज्म का स्तर बिल्कुल घटा है, कहीं ना कहीं वो उसकी घटने की वजह वही है, कहीं ना कहीं वो उछोड़ कर देख रहे हैं, नोटबंदी से जोड़कर देख रहे हैं, वो जोड़कर देख रहे हैं, महंगाई से बढ़कर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा कम हो रही है, मैं उसको उठाना चाहूंगा कि पहाड़ी लोगों का जो पलायन बढ़ रहा है बड़े शहरों की तरफ, उस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, नहीं दे रही। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में हिमाचल और कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी लोग हैं, बड़ी जनसंख्या में ये लोग पलायन कर रहे हैं। क्या वजह है इसका? मतलब वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ रोजगार की संभावनाएं नहीं है, वहाँ पर्यटन कम हो रहा है, लोग का वहाँ का पूरा जो कारोबार है ज्यादातर कारोबार पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर पर्यटक नहीं जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ इफेक्ट कर रहा है, वहाँ के हिमाचल वासियों को इफेक्ट कर रहा है। तो अब वो लोग अपने कारोबार को जोड़ अपने कमाने के लिए, रोजगार के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहा है। तो सरकारों को चाहिए कि उनकी इस पर्यटन को, जो इन्होंने मुद्दा उठाया है राहुल गांधी, जो पर्यटन की बात करी है, किसानों की बात करी है, वो इसी से जोड़ के उन्होंने कहा है, इसी से जोड़कर उन्होंने कहा है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यटन का स्तर जो घट रहा है उसकी मुख्य वजह एक यही है कि वहाँ के लोग एक शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर वहाँ के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाए, वहीं पर इतना मतलब सेटअप हो जाए, वहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए, वहीं पे पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा दें, जिससे वहाँ के रोजगार, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, वहाँ के युवाओं को संभावना, रोजगार की संभावना मिले, तो कहीं ना कहीं वहाँ का स्तर और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है ना। लेकिन एक और हम बयान की बात करें तो राहुल ने अपनी रैली के दौरान एक फोन वाला भी हमला किया है कि अगर हम फोन में अगर हम सेल्फी ऐसे लें तो उसके पीछे हम देखें तो उस पे मेड इन हिमाचल और मेड इन इंडिया दिखाई दे। बिल्कुल, देखिए मैं इस वाले कमेंट पे थोड़ा सा जाना चाहूँगा कि देखिए राहुल गांधी ने जो ट्वीट जो बात कही है उन्होंने अपनी कि चाइनीज़ में चाहता हूँ कि जब चाइनीज़ युवा अपना सेल्फी लें तो उस पे मेड इन हिमाचल देखें, वो कहीं ना कहीं हिमाचल के युवा को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का युवा हो या हिमाचल का युवा हो, वो किसी से कम नहीं है। अगर हम किसी एक कदम में आगे बढ़ाते हैं तो हमारे लिए 10 कदम की अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, हम अपने आप को उस परिपेक्ष में ढाल लें कि कल को चाइना हमारी बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करें, ना कि हम चाइनीज चीज इस्तेमाल करें। लेकिन हम देखते हैं कि चाइनीज इस्तेमाल का तो हमारे देश में काफी चलन है, जाहिर सी बात है। अब जहाँ एक और ये कहा जाता है कि विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ, लेकिन चाइना की सबसे ज्यादा खिलौने शायद हमारे देश में अगर देखे जाए तो चाइनीज कोई ऐसी कोई मेरे ख्याल से ऐसा कोई चीज ऐसी नहीं बची होगी जो जिस पे मेड इन चाइनीज बाजार का कब्जा एक हमारे भारत बाजार पे बड़े स्तर पर कब्जा हुआ है। शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उसी को जोड़ते हुए, शायद वो उनके जहन में हो, वो चीज उनके जहन में हो, चाइनीज मार्केट ने जो पूरा एकदम पूरा अपनी बना रखा है, जिस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बना रखा है, कब्जा कर रखा है चाइनीज मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस चीज की चिंता है, जब ही उन्होंने इस बात को उठाया है। एक और उन्होंने हमला साधा है कि वहाँ के मतलब अगर टूरिज्म का एक और मुद्दा हो सकता है कि मतलब अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। उस अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में जाए, हालांकि उस घटनाओं पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उस वजह से भी हमारे भारत में आ रहे टूरिस्टों पर काफी प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, जैसे देखिए आप, ये तो बात खैर हिमाचल और गुजरात के चुनावों की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम यूपी में जो दो पिछले दिनों बहुत एक मतलब, स्विट्जरलैंड से आए कपल को पर हमला हुआ, फिर अभी दो दिन पहले एक जर्मन से आए एक टूरिस्ट पर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं इस चीज का मैसेज गलत जाता है, उससे भी हमारे पर्यटन पर कहीं ना कहीं पर्यटकों पे असर पड़ता है। क्योंकि वो लोग अगर कोई तस्वीर जिस तरीके की आप पेश करेंगे, जिस तरीके की तस्वीर हमारे देश की छवि गलत बन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि छवि और तस्वीर जो यहाँ से बनकर लोग लेके जाते हैं, वो अपने देश में जाके बताएंगे दूसरों को कि हमारे वहां पर उनके साथ मार पिटाई हुई, वहां पर लोगों ने मारा, ऐसा करा, तंग करा, तो उससे कहीं ना कहीं देश की छवि पे धूमिल होती है। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये सारी बातें, चुनावी जब राजनीति होती है तो सारी बातें उठकर आती हैं, और
खैर हम लोग का दौर जारी है, हिमाचल में अब किसकी सरकार है ये तो वहाँ की जनता ही तय करेगी, बिल्कुल जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। लेकिन रैलियों का दौर जारी है, नेताओं का आने जाने का दौर जारी है, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और दोनों ही राहुल गांधी हों या बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हों, दोनों ही बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने पिछले कुछ समय में अपने आप में जो विकास किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल, अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी हों, राहुल गांधी का जो जोश है वो जनता और उभार पाएगी, राहुल गांधी जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे। यह देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़ और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।